बेमेतरा जिले के देवघर स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात महिला ने वार्ड में घुसकर नर्सिंग स्टाफ वीना टंडन के साथ की झूमाझट की एवं दी जान से मारने की धमकी। बता दें कि कल शाम स्वास्थ्य केंद्र देवघर की एनएम वीना टंडन अपने ड्यूटी में थी, इसी दौरान सुमो वाहन से अज्ञात महिला अस्पताल में घुसी और बिना कुछ बताए उनसे उलझना शुरू कर दी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले वे उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी एवं घसीटती हुई बाहर ले आई। चूंकि शाम का समय था, उनके ड्यूटी से वापस घर जाने का समय था, उनके घर से बेटियां वीना टंडन को लेने आई थी। अचानक महिला की हरकत देख वे भी घबरा गई एवं बीच बचाव करी, जिसके बाद वह महिला वापस उनको देख लेने की धमकी देकर वापस चली गई। मुद्दे की बात यह है कि देवघर जैसे स्वास्थ्य केंद्र में अकेली महिला कर्मचारी का ड्यूटी पर होना समझ से परे है। यह घटना पहले भी घट चुकी है, पर बड़े अधिकारियों के तरफ से आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़ित कर्मचारी ने अपना शिकायत देवघर चौकी में लिखाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि अज्ञात महिला के ऊपर कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग कितना काम करती है। हम लोग देवघर पीएससी स्टाफ हैं, तीनों नर्स हैं और ये चारों हैं। कल मैं ड्यूटी में अकेले थी और अकेले हूँ ऐसे करके मैं, मतलब मेरे बच्चे लोग भी मेरे साथ आए थे, तो मेरे दो बच्चे और मैं तीन लोग बस हॉस्पिटल में थे। और एक लड़की आई करीब 5:30 बजे करीब, और वो लड़की डायरेक्ट हमारे, मैं लेबर रूम में थी, तो वो डायरेक्ट आई और वो मतलब मेरे को पूछने लगी कि मतलब आप मेरे को पहचानते हो ऐसे करके। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती, आप मतलब किस लिए हॉस्पिटल आए हो, क्या काम है, ऐसे करके मैं उनसे पूछी। तो वो मतलब हंस के जवाब दी कि आप मेरे को नहीं पहचान रहे हो ऐसे करके। फिर एकदम थोड़ी देर में एकदम हावी हो गई वो मेरे ऊपर कि आप मेरे को नहीं पहचान रहे हो, आप मेरे को नहीं पहचान रहे हो, मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे को कैसे नहीं पहचानते हो ऐसे करके। वो डायरेक्ट मेरा हाथ ऐसे पकड़ ली और फिर एकदम मतलब मारने वाले जैसे करने लगी। फिर मैं ऐसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो फिर वो और मतलब बाल बाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मेरी बेटी उसका हाथ ऐसे पकड़ी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप कैसे मार सकते हो ऐसे करके। और वही फिर वो मतलब धमकी देते देते मेरे को गई कि आप मेरे को नहीं पहचानती हो, मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ ऐसे करके बाहर में गई। फिर बाहर में तीन लड़के लोग जस्ट गेट के बाहर, तीन लड़के लोग नए नए व्हाइट शर्ट और न्यू जीन्स ब्लैक कलर का पहने थे तीनों लड़के, उनसे वो बात की थोड़ा देर। और गाड़ी वाले से, गाड़ी में एक बुलेरो था, सुमो या बुलेरो था व्हाइट कलर का, उसमें मतलब बहुत सारे लोग थे और उस गाड़ी वाले से भी वो लड़की बात की। फिर वो गाड़ी उसका जाने का दिशा तो बेवे तरफ था, लेकिन वो फर्स्ट ऐसे टर्न लेके फिर दुर्गा की तरफ ऐसे मुड़ गया गाड़ी, वो लड़की बात की उसके बाद। और वो लड़की, एक लड़का आगे, ये जो नाला है उसके आगे वो लड़का खड़ा था, तो दौड़ते दौड़ते जाके ना वो लड़की उस गाड़ी में बैठी और तुरंत भाग गई। आप लोग को हॉस्पिटल के द्वारा क्या क्या सुविधा मिलती है? हॉस्पिटल से सुविधा तो कुछ नहीं मिलती है, हम लोग अकेले रहते हैं, इवनिंग में भी अकेले रहते हैं, रात में भी अकेले रहते हैं, कोई चौकीदार नहीं रहता। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर पूरा खुला रहता है, ना कहीं ताले की व्यवस्था है ना लॉक का व्यवस्था है, क्या ऐसा कुछ है? पीछे का दरवाजा भी टूटा हुआ है और हम लोग जैसे नाइट ड्यूटी करते हैं वहाँ का भी एक लॉक बस है, ऊपर का लॉक बस सही है, आप लोग का जैसे मासिक वगैरह बैठक होती होगी, बड़े उच्च अधिकारी आते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप लोग अवगत कराते हैं कि नहीं कराते? विभिन्न तरह से टू मिस्टर सवाल, सीजीविजन टीवी।